श्रीगंगानगर में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत होगी महत्वपूर्ण गतिविधियां। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश किया जारी। उदयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के तहत जिले में 12 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर का हुआ आयोजन। वंचित पात्र लोगों को किया गया है पंजीयन। जयपुर हेरिटेज निगम द्वारा पॉलीथीन कचरा और गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई। उपायुक्त स्वास्थ्य के निर्देश पर की गई है ये कार्रवाई। झुंझुनू में कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की मॉक ड्रिल। अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं की जांच कर विभाग ने दिए आवश्यक निर्देश। जयपुर में संस्कृति युवा संस्था द्वारा दूध पिलाकर किया जाएगा नववर्ष का स्वागत। संस्था अध्यक्ष ने किया पोस्टर का विमोचन। अजमेर डिस्कॉम का किसानों के हित में बड़ा फैसला। कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगी 6 घंटे विद्युत आपूर्ति। प्रबंध निदेशक ने अधिकारियों को दिए निर्देश। यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने डिब्बों में की अस्थायी बढ़ोतरी। रेल सेवाओं में बढ़ाए 1/3 एसी के डिब्बे। जयपुर के आंधी उपखंड के बीसीएमओ जम्वा रामगढ़ की अध्यक्षता में हुई सेक्टर बैठक आयोजित। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर किया गया विचार विमर्श। जयपुर के मुरलीपुरा थाना पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई। तस्कर को गिरफ्तार कर 40 किलो से अधिक डोडा पोस्त को किया बरामद। जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने फायरिंग की वारदात का किया खुलासा। वांछित हथियार अब बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर मनाया गया स्टेशन महोत्सव। स्टेशन के विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा। बांसवाड़ा में आयोजित वॉलीबॉल सिविल सेवा जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उदयपुर की टीम ने चूरू को हराया। खिताब पर जमाया कब्जा। प्रतापगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हुआ शिविर का आयोजन। शिविरों में धरती कहे पुकार के थीम पर की गई प्रस्तुतियां। जयपुर में फैशन शो फॉर स्पेशल एबल पर्सन का किया गया आयोजन। विधायक बालमुकुंद आचार्य और कालीचरण सराफ ने किया शुभारंभ। और दौसा के महुआ नगर पालिका में वार्ड संख्या 14 के उपचुनाव के लिए मतदान केंद्र निर्धारित। राजकीय प्राथमिक विद्यालय महुआ में होगा मतदान।